हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हटो बच्चों के एजन। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि तेजस की सीरीज पूरी चल रही है, कि आपने देखा कि इसका हैंडल कैसे बनाते हैं, इसके व्हील कैसे फिक्स करते हैं, इसके सोकर कैसे लगाते हैं, और आपको पता चला कि पीछे वाला जो हम मोटर है वो प्रॉपर तरीका क्या है उसको फिट करने का स्विम आर्क अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी तेजस है उसको कैसे पूरा असेंबल करना है। तो यहाँ पर दिखाइए कि हमारा ये स्टेयरिंग है पूरा, और इसके पीछे ये जो ये आप लाइन खींच रहे हो ना, इसका दोस्तों हमें ऐसे ही बिल्कुल एक फ्रेम बना लेना है जिससे कि जिसमें हमारी तेजस रुकेगी। ठीक है, तो आज इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको तेजस बनाते हुए ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो सोकर लेने हैं वो आपको मिनिमम हाइट के लेने हैं, जिससे कि आपकी तेजस की ओवरऑल हाइट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तेजस की जो हाइट है वो हमने कम करने के लिए यहाँ पर एक्टिवा के सोकर लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ पर हमने 12 इंच की जगह इस बार 10 इंच का रिम यूज़ किया है, जिससे कि 2 इंच हाइट हमारी और कम होने वाली है। यहाँ पर हमने एक 1000 वाट का हब मोटर यूज़ किया है, जो कि 10 इंच का है, आगे वाला भी 10 इंच का है, पीछे वाला भी 10 इंच का है, स्विम आर्म यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने जो बोल्ट यूज़ किया है वो एल्की वाले यूज़ किया है, जिससे कि देखने में तेजस का लुक और भी ज़्यादा शानदार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अच्छे वाले हमने यहाँ पर टायर यूज़ किया है सीएट कंपनी के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप और अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे गए। यहाँ पर हमने जो मोटर यूज़ किया है वो इस बार एक वंडरफुल कलरफुल मोटर यूज़ किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप तेज बनाए तो आपको जो पाइप वेल्ड करोगे नीचे वाला, वो सबसे आपको मिनिमम हाइट पे वेल्ड करना है, जिससे कि आपकी तेजस की हाइट कम हो जाएगी। आप सोच रहे होगे कि मैं काफ़ी बार कह रहा हूँ कि भाई तेजस की हाइट कम हो जाएगी। दोस्तों तेजस की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सीधा पाइप लगता है, उसका ये नहीं है कि यूँ घूम के लग जाए, जैसे स्कूटी में अपना रहता है हैंडल ऊंचा हो गया और पाइप बैठने वाली सीट नीचे चली गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब बिल्कुल कम से कम हाइट रखनी है, फिर भी आपकी हाइट ऊंची ही जाएगी। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा पाइप लगाना है अगली कुछ वीडियो में। तो दोस्तों आप तेजस की सीरीज पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम इसमें पीछे ड्रम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं और आगे की तरफ हम इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा रहे, फ्यूचर में हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम दोस्तों इसकी असेंबली करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो आप हमारे से खरीद सकते हैं। आप बताइए तेजस का अभी तक आपको सीरीज कैसी लगी, और आप आगे सीरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।